नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम बात करेंगे 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक, क्या कहती है सितारों की चाल पूरे सप्ताह, बताएंगे आपको पंडित अमित पांडे जी जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसी रहेगी आपके ग्रहों की चाल राशियों के मुताबिक 12 राशियों के लिए, और सबसे पहली राशि की बात मेष राशि की। पंडित जी मेष राशि का राशिफल बताएं। मेष राशि के अपने दर्शकों को बताओ कि सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा इनके छठे भाव से गोचर कर रहा है, कन्या राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए यह समय मानसिक बेचैनी भरा रहेगा, सर्दी जुखाम से परेशान हो सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, जब यह तुला में प्रवेश कर जाएगा चंद्रमा 2 दिन के पश्चात, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और आप निश्चित रूप से अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव भी करेंगे। बात करते हैं परीक्षार्थियों के लिए। मेष राशि के परीक्षार्थी सप्ताह निश्चित रूप से अपने विषय में, अपनी पढ़ाई में सफल होंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और हमारे किसान भाई यदि इस वक्त में कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नई फसल बोना चाहते हो, तो थोड़ा रुक जाएं, सावधानी बरतें, अभी कुछ भी नया करना आपके लिए ठीक नहीं है। मेष राशि के दर्शकों का इस सप्ताह का शुभ रंग है सफ़ेद और शुभ अंक है 6। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वालों का शुभ अंक जो है वो 6 है और शुभ रंग आपका सफ़ेद है। इन दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सप्ताह उत्तम साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। पंडित जी वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? वृषभ राशि के लोगों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में इनके पंचम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे एक बात तय है कि भाग्य के सहारे इनके सारे काम बनेंगे। और तो और चूंकि पंचम भाव में चंद्रमा बृहस्पति से युत है, इसलिए संतान का भी अच्छा सुख मिलेगा। हाँ, कृषक भाइयों को बताओ, अपने किसानों को बताओ कि इन्हें जमीन संबंधी यदि कोई इनका विवाद चल रहा है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी इन्हें सफलता मिल जाएगी और इनके हक की जमीन इन्हें पुनः वापस मिल जाएगी। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों का शुभ अंक 5 है और शुभ रंग आपका हरा है। आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो सप्ताह में बाधाएं आ रही हैं आपके कार्यों में, वो खत्म जरूर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। पंडित जी मिथुन राशि के राशिफल के लिए कौन सा शुभ अंक और शुभ रंग रहने वाला है? शुभ अंक और शुभ रंग बताऊं, उसके पहले अपने मिथुन राशि के दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में इनके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। चतुर्थ भाव यश का है, कीर्ति का है, वाहन का, माता का स्थान होता है, तो इनके लिए यह सप्ताह मान सम्मान की प्राप्ति का सप्ताह होगा। इनका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। और हाँ, यदि ये कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं या वाहन का कोई सपना है तो वह भी पूर्ण होने जा रहा है। इन्हें एक अच्छे वाहन का योग दिखाई दे रहा है इस सप्ताह मिथुन राशि के दर्शकों को। हाँ, रही बात किसान भाइयों को, तो किसान भाइयों को बताऊं कि घबराएं नहीं, प्रकृति आपका साथ देगी इस सप्ताह, नेचर आपके साथ है, तो जो भी आप करेंगे वह आप सब काम आपका सही होगा, सारी फसलें आपको मुनाफा देंगी इस सप्ताह। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है नीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों का शुभ अंक 4 है और शुभ रंग नीला है, और किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि प्रकृति आपका साथ देगी, आपकी फसलों को अच्छा मुनाफा जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि के राशिफल में क्या छिपा है खास। पंडित जी कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? कर्क राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह का शुरुआत मतलब रविवार के दिन 9 अप्रैल के दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा है, जो कि इनके तीसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास अधिक करेंगे, मेहनत अधिक करना पड़ेगा। और मेहनत क्यों अधिक करना पड़ेगा? क्योंकि धन संबंधी अड़चनें आ रही हैं, आर्थिक कहीं ना कहीं ये परेशान है, इसलिए इन्हें मेहनत अधिक करना पड़ रहा है। अभी एक बात और कर्क राशि के दर्शकों के लिए, इनके छठे भाव में शनि गोचर कर रहा है 29 जनवरी के बाद से ही, तो कहीं ना कहीं शनि की वहाँ पर उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि नस संबंधी खिंचाव हो सकता है, खास करके सर्वाइकल पेन, जो 40 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं हमारे दर्शक कर्क राशि के, उन्हें
विकार हो सकता है नसों का, सर्वाइकल का पेन हो सकता है। इस सप्ताह आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। इन दोनों चीज़ों का यदि ये लोग प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें लाभ मिलेगा, इनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो कर्क राशि वालों का शुभ अंक 3 है और शुभ रंग आपका पीला है, लेकिन आपको सेहत का खास ध्यान रखना है क्योंकि आपको नसों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है इस सप्ताह। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी बची 8 राशियों की। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, देखते रहिए कृषि और नक्षत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक? सिंह राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सिंह राशि में वर्तमान में राहु गोचर कर रहा है, लग्न में ही बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये मन को ख़राब करता है और कठिन कठिन परिस्थितियों को लाके खड़ा कर देता है सामने, मतलब संघर्ष की स्थिति बनाता है। दूसरी बात, अभी 13-14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक के बीच का जो समय है वो लग्ने सूर्य अष्टम में गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को पूरी तरह से ख़राब करने की स्थिति बन रही है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हमारे ऐसे किसान भाई जो ज़मीन के नीचों की फसलों का जो व्यापार करते हैं या उसकी खेती करते हैं, उसमें उन्हें मुनाफा दिखाई दे रहा है। एक बात और यहाँ बताऊँ, चूँकि भाग्य भाव में बुध और मंगल की युति है तो यह भी इनके पक्ष में जाती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उसका एक मजबूत कारण यहाँ यह भी बनता है कि वर्तमान में रविवार के दिन 9 अप्रैल को चंद्रमा गोचर से धन स्थान में द्वितीय स्थान में गोचर कर रहा है। कुल मिला के एक लाइन में कहा जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसान भाई ज़मीन के नीचे के फसलों हैं उसको बेच करके अच्छा मुनाफा इस सप्ताह कमा सकते हैं। इस सप्ताह शुभ अंक इनके लिए है 2 और शुभ रंग है इनके लिए सफ़ेद। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, अवश्य लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए शुभ अंक 2 है और शुभ रंग आपका सफ़ेद है, और किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि कंदिल फसलें आपको मुनाफा ज़रूर देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठी राशि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा इस सप्ताह? कन्या राशि के लिए तो यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। उसका कारण है कि कन्या राशि में ही सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा गोचर कर रहा है, मतलब रविवार, सोमवार और मंगलवार ये जो 3 दिन हैं इनके लिए सुपर हैं, बहुत अच्छे हैं। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके छठे भाव में केतु गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है, थोड़ा सा ये परेशान रह सकते हैं। हाँ, रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई किसी प्रकार की चिंता न करें। जो आपके घर में नया अनाज आया है, जो नया अन्न आपने अपनी श्रम से उत्पन्न किया है, वह आपके लिए अवश्य लाभकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 1 और शुभ रंग है लाल। ये दो चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी, इनका प्रयोग करें। तो कन्या राशि वालों का शुभ अंक 1 है और शुभ रंग आपका लाल है। अगली राशि की तरफ बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, आप भविष्य को लेकर चिंता में हैं जिसका जवाब आप ज्योतिष के माध्यम से पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया जा रहा है आप उस नंबर पर अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि का राशिफल बताएँ। तुला राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में तुला राशि से 12वें भाव मतलब कन्या राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो अधिक खर्च का संकेत देगा। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि बृहस्पति भी साथ में है इसलिए ये खर्च सार्थक होंगे। अपनी जिम्मेदारियों को, लायबिलिटी को पूरी करने में आप खर्च करेंगे तो उस पैसे का 100% आपको उपयोग सिद्ध होगा। हाँ, व्यापारिक उन्नति जरूर होगी इस सप्ताह आपको। किसान भाइयों के लिए बताऊं, किसान भाई किसी भी प्रकार के भूमि संबंधी विवाद से बचना चाहिए। उसका कारण यह है कि यदि आप भूमि संबंधी विवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको न्यायालय में हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि द्वादश में चंद्रमा और बृहस्पति 2 शुभग्रह गए हुए हैं। इसलिए भूमि संबंधी विवाद से बचें, खुद को रोकें, समय आपके अनुकूल अभी नहीं है। इस सप्ताह शुभ अंक है आपका 2
और शुभ रंग है क्रीम। इन दोनों चीजों का प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए शुभ रंग क्रीम है और शुभ अंक आपका 2 है, लेकिन एक हिदायत भी है जो आपको पंडित जी ने दी है कि आपको भूमि विवाद से सप्ताह बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। पंडित जी, वृश्चिक राशि का राशिफल क्या कहता है इस सप्ताह? वृश्चिक राशि के अपने दर्शकों को बताओ कि चूंकि सप्ताह का शुरुआत इस तरह हो रहा है कि एकादश भाव में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं से इन्हें आर्थिक लाभ मिलने वाला है, धन का इनके घर में आगमन होने वाला है और बड़ी मात्रा में पैसे का लाभ होगा वृश्चिक राशि के लोगों को। हाँ, किसान भाई कृषि यंत्रों के लिए परेशान हो सकते हैं, कृषि संसाधन थोड़ा इनका कम साथ देंगे, इसलिए इनके लिए दिक्कत हो सकती है। और तो और एक विशेष बात यहाँ बताऊँ कि चूंकि इनके द्वितीय भाव में शनि गोचर कर रहा है और द्वितीय भाव धन का भाव है, तो कहीं ना कहीं जो कुछ पैसा इन्होंने अभी संभाल के रखा था, किसी के बहकावे में आकर के उस धन का दुरुपयोग ना करें, धन का निवेश ना करें, वो आपके परेशानी का कारण भविष्य में बन सकता है। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 2 और शुभ रंग है सफ़ेद। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये था वृश्चिक राशि का राशिफल। अगली 4 राशियों की बात करें, उससे पहले कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मिलेंगे तो बात करेंगे आगे की 4 राशियों की। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, देखते रहिए कृषि और नक्षत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में। आगे की 4 राशियों की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप में से कोई दर्शक ऐसे हैं जो अपना सवाल जानना चाहते हैं, कि ज्योतिष के माध्यम से उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, पंडित जी से आप उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है आप उस नंबर पर अपने डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस सवाल का जवाब जान सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी, धनु राशि का राशिफल भी बताएं। जी, धनु राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि धनु राशि वाले 27 जनवरी के बाद से इनकी राशि में शनि गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 7.5 का संकेत है, 7.5 के अंतिम चरण का संकेत है, तो कहीं ना कहीं धनु राशि वाले कुछ मानसिक रूप से बेचैन चल रहे हैं। ऐसे में दशम भाव में चंद्रमा व बृहस्पति का जाना इनके नए रोजगार की सूचना देता है, थोड़ा धैर्य रखें, विलंब जरूर होगा लेकिन नया रोजगार नया काम आपको मिलेगा और आपका काम बनेगा। इतना जरूर है कि भाग्य भाव में चूंकि राहु गोचर कर रहा है इसलिए अड़चनें आएंगी, घबराएं नहीं, आपको लाभ मिलेगा। रही बात किसान भाइयों को, तो किसान भाइयों को बताऊं कि इस सप्ताह आपको कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे सो करें, किसान संबंधी समस्त कार्यों में आपको सफलता दिखाई दे रही है, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च का शुक्र विराजमान है मीन राशि में, यह आपके सुख का संकेत है। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 1 और शुभ रंग है लाल। इन दोनों चीजों का प्रयोग करिए, धनु राशि वाले आनंद करें। तो धनु राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका लाल है और सबसे अच्छी बात यह कि किसानों के लिए सप्ताह बेहद उत्तम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। पंडित जी, मकर राशि के किसानों का कैसा रहेगा ये सप्ताह? मकर राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इनके द्वादश भाव में शनि गोचर कर रहा है और भाग्य भाव में चंद्रमा और बृहस्पति कन्या राशि में है। यह जो स्थिति बनती है कि भाग्य से मिलता है और दूसरे तरफ चला जाता है, लेकिन घबराएं नहीं, आपको लाभ मिलेगा, ये लाभ स्थायी होगा, अभी थोड़ा सा विलम्ब है, इसलिए जो आप यात्राएँ कर रहे हैं यात्राएं करते रहिए, उसमें यदि लाभ नहीं मिल रहा है तो परेशान न होइए, धैर्य रखिए, लाभ मिलेगा। शिक्षण कार्य में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों को बताऊं कि जो फलों की खेती कर रहे हैं किसान भाई, खास करके जिन फलों में रस हैं, जैसे वर्तमान में आम के फल हैं, इस तरह के जो फल हैं, इसकी खेती से आपको मुनाफा दिखाई दे रहा है, आप निश्चिंत होकर उसकी खेती करें, उसकी रखरखाव करें और उसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। शुभ अंक आपका 9 और शुभ रंग है आपका सुनहरा। ये दोनों चीज़ों का प्रयोग मकर राशि वाले करते हैं तो लाभ अवश्य मिलेगा।
तो मकर राशि वालों का शुभ अंक 9 है और शुभ रंग आपका सुनहरा है। चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा इस सप्ताह? कन्या का चंद्रमा कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, यह इन्हें स्वास्थ्य में विकार देगा, तकलीफ देगा। लेकिन जो लोग पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, अध्ययन अध्यापन में लगे हैं, उनके लिए ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य सफल होंगे। किसान भाई प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि ये जो सप्ताह है ये इनके आराम का सप्ताह है। खेती बाड़ी की बहुत चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपने सारे काम सही समय पे, नियत समय पे आपने पूर्ण कर ली है, इसलिए आपके सुख का समय है, अच्छा समय है। हाँ, शुभ अंक आपका 8 है, अशुभ रंग है नीला। जरूरत पड़ने पे आवश्यकता अनुसार इन दोनों चीजों का प्रयोग करें, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों का शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आपका नीला है और किसानों के लिए सप्ताह आराम से भरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा सप्ताह। पंडित जी, मीन राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहेगा 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक? मीन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में शुक्र और सूर्य, ये दोनों ग्रह एक साथ इनकी ही राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। बड़े विल पावर के साथ कोई भी काम करने में ये समर्थ नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ नेत्र के रोग भी हो सकते हैं, आँखों में दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है वो बता दूँ, इस सप्ताह चूँकि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों विराजमान हैं, ये गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, और चूँकि सप्तम भाव में है इसलिए जीवन साथी का भी सुख अच्छा देंगे। आपका जीवन साथी आपका पूर्ण सहयोग करेगा और उसकी तरफ से आपको किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा नहीं होगी। और तो और आर्थिक लाभ के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, इसलिए पूरा सप्ताह कुल मिला के कहा जाए तो मीन राशि वालों के लिए सुंदर है, अच्छा है, सब प्रकार से ठीक है। थोड़ा विल पावर बना के रखें। इस सप्ताह शुभ अंक है मीन राशि वालों का 7 और शुभ रंग है बादामी। दोनों चीजों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से मीन राशि वालों का कल्याण होगा। तो मीन राशि वालों का शुभ अंक 7 है, शुभ रंग आपका बादामी है। नेत्र विकार हो सकते हैं आपको, लेकिन उससे अलग हटके आपका पूरा सप्ताह उत्तम रहेगा। तो 12 राशियों के मुताबिक कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति आपके लिए बता दी है पंडित अमित पांडे जी ने। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। लेकिन अगर आप पंडित जी से इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते।